हेलो एवरीवन। तो आज वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर 6 मंथ फ्रॉम जनवरी टू जुलाई में आर्थिक प्रतिदर्श क्या क्या हुए। ठीक है, तो क्या हुआ? फिनटेक बिग भाग आया। ठीक है, किसने शुरू किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने किया। ठीक है, इन्हें भारत के वित्तीय परिदर्श पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिनटेक विभाग की स्थापना की। ठीक है, फिनटेक डिपार्टमेंट की कब करी? 4 जनवरी 2022 को करी, जिसका उद्देश्य क्या है? फिनटेक इनोवेशन पर जोर देना। ठीक है, विनिमय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा, वित्तीय सेवाओं को लागत कम करने में अतिरिक्त एवं समावेशन के सुधार से सुधी जानकारियां एवं अवसरों की पहचान करना। स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है। कौन बन गई स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न? तो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग्स बन गई है। कितना का उसका टर्नओवर हो गया? 7600 करोड़ रुपए का। ठीक है, इसका प्राइस मार्केट प्राइस बैंड कितना है? 210 से 225 रुपए का कारोबार कर। ठीक है, नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन, ठीक है, तो शुरुआत की गई है। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी करेंसी पेंसिल नोट नासिक, तो ये भी है कि ये कहाँ पर है, तो ये नासिक में है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग वाली जो है, ठीक है, इसने नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है। भारत में बैंक नोटों की छपाई आपूर्ति के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। कितने प्रिंटिंग प्रेस हैं? 4 हैं केवल। ये मध्य प्रदेश के एक देवास में है, महाराष्ट्र के नासिक में है, और कर्नाटक के मैसूर में, और पश्चिम बंगाल के वर्सोवली में है। ठीक है, और जो नासिक वाला है उसने किया है। ठीक है, 4 हैं, देवास में, नासिक में, मैसूर में, और वर्सोवली में। ठीक है, और भारत सरकार ने स्वामित्व वाली मनी रत्न कंपनी, जो कि मुद्रा और बैंक नोट और कागज और गैर न्यायिक स्टाम्प और टिकट, पासपोर्ट, वीज़ा, चेक, बॉन्ड, वारंट, सुरक्षा सुविधाओं के साथ विशेष प्रमाण पत्र, सुरक्षा स्याही संचलन और स्मारक सिक्के, पदक, सोने चांदी और शोधन की कीमती धातुओं के परख निर्माण में उत्पादन लगी है। ठीक है, जीवन बीमा निगम LIC जीवन बीमा निगम LIC। ठीक है, सीमा बाउंड्री सूची में 10वें स्थान पर है। ठीक है, 10वें स्थान LIC एकमात्र भारतीय बीमा कंपनी है। ठीक है, 8.8 अरब डॉलर, 64,772 करोड़ की। ठीक है, एकमात्र बीमा कंपनी है जिसका इतना अरब डॉलर है। LIC के बाजार मूल्य 2022 तक इतना था, 2027 तक इतना करोड़ हो जाएगा। फिनटेक ओपन हैकाथॉन किसने शुरू करी? फिनटेक हैकाथॉन फोन पे के सहयोग से नीति आयोग ने किया है। ठीक है, बस ये इम्पोर्टेंट है, नीति आयोग ने शुरू किया है फोन पे की मदद से। फ़ोन पे क्या है? फ़ोन पे एक भारतीय डिजिटल भुगतान सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में है। इस कंपनी की स्थापना समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर ने दिसंबर 2015 में की थी, और इस ऐप में 2000 सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित है। वर्तमान में ये 11 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है, $3 ट्रिलियन वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी? एप्पल बन गई है। ठीक है, एप्पल कब शुरू हुआ? तो एप्पल 1976 में शुरू करी गई, और 2018 में पहले 1 ट्रिलियन की, अब वो 3 ट्रिलियन की कंपनी हो गई है। स्विफ्ट
स्विफ्ट क्या है? जो रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद यूरोपीय और अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं और यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी भागीदार देशों रूस को प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया, जिससे स्विफ्ट इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम में रूसी बैंकों को अलग कर दिया है। मतलब अमेरिका की जो स्विफ्ट कंपनी थी उसने उसको अलग कर दिया, रूस से काफ़ी पड़ सकता है। हालांकि इन देशों में स्वयं की क्योंकि कंपनियों की काफ़ी नुकसान है होगा। ठीक है, स्विफ्ट क्या है? देखो स्विफ्ट देख लो, स्विफ्ट एक वैश्विक पेमेंट सिस्टम है जिसका पूरा नाम है द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन है। यह विश्व के बैंकों को जोड़ने वाला फाइनेंशियल मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद बेल्जियम में ऑपरेट किया जाता है और स्विफ्ट से जुड़े बैंकों को चलाया जाता है। इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता, ठीक है, भारत में सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता 2021 नेशनल्स का समापन हुआ। 54 के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने वाले युवा की राष्ट्रीय अंतर्गत अपनी प्रतिभा दिखाने हेतु मंच प्रदान किया। भारत का कौशल प्रतियोगिता प्रत्येक 2 वर्ष में राज्य सरकार उद्योग और सहयोग को आयोजित की करता है। ठीक है, विश्व में के बाजार में पूंजीकरण में 5वें स्थान पर पहुंच गया है भारत। ठीक है, 5वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की इक्विटी बाजार पहली बार मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में दुनिया के 5वें स्थान पर पहुंच गया। वर्तमान में अमेरिका इतने ट्रिलियन हो गया है, ठीक है, और ट्रिलियन हो गया है तो चीन, जापान और हांगकांग के बाद 5वें स्थान पर। भारत 2022 से शुरू हुआ 7वें स्थान पर, बाद में भारत में अपने पूंजीकरण में इतनी गिरावट 2 स्थान चढ़ गया और अब भारत का कुल पूंजीकरण $3.21 trillion है। फीचर फोन के लिए UPI 123 Pay सुविधा। गवर्नर शक्तिकांत दास के RBI ने फीचर फोन में RBI ने गवर्नर शक्तिकांत दास UPI 123 Pay नामक UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट्स के लिए 24x7 भी लॉन्च की गई है। इसका नाम डिजी साथी रखा है। क्या रखा गया है? UPI पेमेंट RBI द्वारा डिजी साथी रखा गया है। ठीक है, ये इन दोनों में सीधा संबंध आम आदमी से है। ठीक है, भारत में निर्यात $400 अरब हो गया। सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ पे होता है? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमीरात और चीन। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, टोयोटा मिराई, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई। तो ये सड़क परिवहन के राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक के विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक टोयोटा मिराई की शुरुआत की है। ये भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है और जिसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन और FCE की अनूठी उपयोगिता के बारे में जागरूकता पैदा करके एक ग्रीन हाइड्रोजन आधारित इकोसिस्टम बनाना है। ठीक है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब किसने शुरू किया है? RBI ने किया है। गवर्नर द्वारा बेंगलुरु में कहाँ पे ये बनाया गया है? बेंगलुरु में बनाया गया रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु में बनाया जाएगा RBI द्वारा। ठीक है, इस कंपनी के 2013 में 8 के तहत 100 करोड़ रुपये प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ एक कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक, LIC और FDI, LIC और FDI, भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह विदेशी मुद्रा प्रतिबंध फेमा में संशोधन किया जाने के लिए वर्तमान में इतना परसेंट
एफडीआई कितना हो गया है परसेंट एफडीआई? एक मिनट कहाँ थे? हाँ, एक सेकेंड, ये हो गया था ग्रीन हाइड्रोजन की टॉयट मराई हो गई थी, सॉरी मिराई हो गई थी। और इनोवेशन हब हो गया, ठीक है। हाँ, बेंगलुरु में LIC, हाँ ये था LIC, भारत सरकार ने LIC में 20% प्रत्यक्ष FDI की निवेश करने की अनुमति दी है, और फेमा के नियम सर के वर्तमान में बीमा क्षेत्र में, देखो LIC में 20%, लेकिन बीमा क्षेत्र में कितना बहुत इम्पोर्टेंट है, 74% हो गई है, ठीक है। भारतीय जीवन बीमा में ये सबसे बड़ी कंपनी है, इसकी स्थापना 1956 में भारतीय संसद से में भारतीय जीवन अधिनियम पारित करने के हुई की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा बाजार में लगातार नवीन और लाभकारी नीतियाँ लाने के लिए जाने का सामान्य तौर पर LIC पॉलिसी बीमा बाजार में बेंचमार्क माना जाता है। T+1 सेटलमेंट प्रणाली, ठीक है। NSE स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय स्टॉक NSE और BSE द्वारा क्या किया गया है, फंड सिक्योरिटी निवेशकों को T1+ स्टॉक निपटान प्रणाली शुरू कर दी गई है। तो T1+ स्टॉक प्रणाली शुरू की गई है BSE और NSE द्वारा, ठीक है। ये पहले सेबी के सेटलमेंट साइकिल की T+3 को घटाकर T+2, T+1 सेटलमेंट सभी बाजार व्यापारी संबंध निपटान वास्तविक लेन देन होने में के एक दिन के भीतर किए जाएंगे, ठीक है। स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली क्या है, कवच है, ठीक है। भारतीय रेलवे ने दो ट्रेनों को एक दूसरे की ओर गति का बढ़ाते हुए कवच स्वचालित का सुरक्षा परीक्षण किया है, ठीक है। कवच प्रणाली की घोषणा 2022 में केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत की पहल का एक भाग है, ठीक है। और 2022-2023 में सुरक्षा सक्षमता वृद्धि हेतु 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क के स्वदेशी प्रणाली के तहत लाने की योजना है। यह भारत की अपनी स्वचालित प्रणाली जो ट्रेन के कोलिजन बचाव प्रणाली, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के नाम से वर्ष 2012 से विकासशील है, जिसे आर्मर या फिर कवच कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। इसमें रिफ्ट टाइप कुछ है, ठीक है, ये है रिफ्ट, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, तो डिवाइस, ठीक है, उपकरणों का एक सेट है जो लोकोमोटिव और सिग्नलिंग सिस्टम के साथ पटरियों में भी स्थापित होता है। वे ट्रेनों को ब्रेक नियंत्रण करने के लिए एक अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करके एक दूसरे को जोड़ते तथा ड्राइवर को भी सतर्क करते हैं, यही प्रोग्राम का आधार पर बनते हैं, ठीक है। पहला वर्चुअल स्मार्ट कार्ड ग्रिड नॉलेज सेंटर, तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का इनोवेशन पार्क की उद्घाटन किया, ठीक है। और मानसेर हरियाणा में पावर ग्रिड की स्थापना की गई। पहला वर्चुअल क्या है, पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर की स्थापना कहाँ की गई, मानसेर हरियाणा में की गई, ठीक है। और इसमें और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भारतीय रेलवे का, वो भी प्रधानमंत्री के विजन गति शक्ति के रेलवे मंत्रालय के अनुरूप भारतीय आसनसोल मंडल डिवीजन के थापरनगर और मैथन पावर लिमिटेड की निजी साइडिंग को सफलतापूर्वक शुरू किया है। भारतीय रेलवे इस तरह का पहला जी सी टी है, ठीक है।
तो इसमें है क्या इम्पोर्टेंट कि भाई भारतीय भारतीय रेलवे ने गति शक्ति कार्गो टर्मिनल लॉन्च किया है बस। और क्या फिर वो इम्पोर्टेंट है इसमें, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, महानदी कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई महानदी कोल फील्ड लिमिटेड ने इतने टन से अधिक कोयला का उत्पादन करके अग्रणी कोयला की उत्पादन कंपनी को बन किया है, बन गई है। ठीक है, नैफीड, नैफेड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ना की है तो राष्ट्रीय अवराशना की 1934 भारत ने फिर किसने घोषणा की, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत इस्पात उत्पादन वृद्धि वाला एकमात्र देश है, मतलब जहाँ पे इस्पात बढ़ा है तो वो केवल भारत है। ठीक है, कितना बढ़ा है, 5.9% की वृद्धि हुई है। ठीक है, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार घोषणा हुई है 2022 की, तो इसमें इसमें राज्य में किसने पहले स्थान पाया है तो उड़ीसा ने इस श्रेणी में पहला पुरस्कार पाया है। ठीक है, किसने पाया, उड़ीसा ने, और बिहार ने द्वितीय, हरियाणा ने तृतीय। वही तमिलनाडु के विरुधुनगर, राजस्थान की करौली और कालाहांडी एमएसएमई के प्रचार और विकास के महत्व में पहला दूसरा, तो सीधा है कि तमिलनाडु का विरुधुनगर पहला है। ठीक है, और उड़ीसा पहला, बिहार दूसरा और हरियाणा तीसरा है एमएसएमई विकास मत पहलों के आधार पर पुरस्कार है ये। ठीक है, और रेलटेल तो एक सार्वजनिक कंपनी है, रेलटेल फॉर्च्यून इंडिया ने केस 566 में छलांग लगाकर तो 2024 यह सूची भारत सरकार का एकमात्र दूरसंचार सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। रेलटेल देश का देश में दूरसंचार अवराधना प्रदान करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। वर्णिका, वर्णिका, वर्णिका क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर शक्तिदास द्वारा केंद्रीय बैंक की सब्सिडायरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड की स्याही बनाने की यूनिट है, ये वर्णिका है, का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, मैसूर में किया गया। ठीक है, मेक इन इंडिया के बढ़ावा देने के लिए ये पहला कदम है, और जो कि सुनिश्चित करने का बैंक नोट प्रिंटिंग स्याही पूरी आवश्यकता में ही तैयार की जा सकती है। वर्णिका के उद्घाटन के अवसर पर आरबीआई के गवर्नर ने मैसूर में ही आरटीआई भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की आधारशिला रखी। ठीक है, तो सेमिकॉन इंडिया के सलाहकार के लिए सलाहकार समिति, और सेमिकॉन इंडिया के लिए सलाहकार समिति भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सेमिकॉन इंडिया सलाहकार समिति का गठन का घोषणा की है। नव गठित सलाहकार सीमित के एक संरचित कुशल और रणनीतिक तरीके से उद्देश्य के आगे बढ़ाएगी और आईएसएम अधिकारियों को आवश्यक प्रदान करेगी। सलाहकार समितियों की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की मंत्री करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राज्य मंत्री किसके अध्यक्ष होंगे। इस समिति के वरिष्ठ अधिकारी, चलो ठीक है ऐसा नहीं पढ़ते हैं इसको, थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए सेमिकॉन इंडिया के लिए सलाहकार समिति, तो सलाहकार समिति का गठन हुआ है। ठीक है, एम बी राम प्रसाद बिस्मिल ब्रह्मपुत्र पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। ठीक है, तो एम बी राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, ब्रह्मपुत्र पर जाने
लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर गहरा है, ठीक है। कहाँ से कहाँ चला? गुवाहाटी के पांडू बंदरगाह हैं से कोलकाता के हल्दिया के तक चला, ठीक है। एमवी राम प्रसाद बिस्मिल जहाज, ठीक है। और भारत की कृषि निर्यात में कितना? $50 बिलियन हो गया निर्यात, ठीक है। हुई है फिर गेहूँ में, फिर चीनी, फिर अनाज के लिए अब तक सबसे अधिक निर्यात किए गए हैं। गेहूँ निर्यात में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, 273, मतलब सबसे ज़्यादा तो चावल निर्यात किया जाता है, लेकिन अब गेहूँ भी की वृद्धि होगी इतनी जो इंडिया करती है। इसी प्रकार चावल ने के लिए विश्व बाज़ार के लगभग 50% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। और रैंप योजना, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस को मंजूरी दी है, ठीक है। ठीक है, ये MSME की है, ठीक है। रैंप योजना, इसमें क्या होगा? विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र योजना, जिसके तहत सूक्ष्म लघु उद्यम से जुड़ी COVID-19 समाधान हो मदद दी जाएगी, मतलब जो भी COVID-19 की वजह से नुकसान हुआ है उसे थोड़ा सा वो किया जाएगा, ठीक है, मदद दी जाएगी विश्व बैंक द्वारा। रैंप किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान, ठीक है, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, टेक जगत के सबसे बड़े सौदों का एक टेस्ला CEO एलन सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर खरीद लिया है, ठीक है। $14 अरब इसके सौदे की कंपनी बोर्ड ने मंजूरी दे दी, लेकिन अभी तो सुना है कि कैंसिल कर दिया है, तो ये तब की खबर है, ठीक है। अब समझा था कि हम खरीद रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा कि भैया हम नहीं खरीदेंगे, ये जितने भी स्पैम अकाउंट हैं वो इनकी जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो अभी तो कैंसिल तो नहीं हुई डील, लेकिन अभी ख़रीदा भी नहीं। अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू पूर्ण करने के बाद सार्वजनिक रूप से अभी हुई नहीं। हुनर हाट कहाँ पे हुआ है? 40वां संस्करण मुंबई में हुआ। इसमें वोकल फॉर लोकल और बेस्ट फॉर्म बेस्ट ऐसे उत्कृष्ट प्रदर्शित किया। फिंक्लुवेशन ये क्या है? फिंक्लुवेशन क्या है? फिंक्लुवेशन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों का सर्जन के लिए फिनटेक फिंक्लुवेशन को लॉन्च करने की घोषणा की है, ठीक है। राष्ट्रीय ईंधन जैव ईंधन नीति 2018 संशोधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन किए जाने में मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। इसके तहत पेट्रोल एथेनॉल 20% के मिश्रण के लक्ष्य में पूर्व निर्धारित समय सीमा 5 वर्ष यानी 2025-26 तक पूरा करना तय किया है, ठीक है। भारतीय कपास परिषद का गठन, भारतीय कपास परिषद का गठन किया गया है। कहाँ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय वस्त्र वाणिज्यिक आयोजक मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है कौन, ठीक है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बेंगलुरु में स्थित नियो बैंक बन गया है 100वां यूनिकॉर्न। 44 यूनिकॉर्न मिले थे जो भारत 2021 में ही कुल मिला के 44 यूनिकॉर्न हो गए थे, बताओ। अब ये इस यूनिकॉर्न के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, $1 बिलियन से अधिक हो, ठीक है, उन्हें यूनिकॉर्न कहते हैं।
और क्या है, वर्ष 2021-22 में अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। ठीक है, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है भारत। ठीक है, अमेरिका का। चीन को पीछे छोड़ दिया भारत ने। ठीक है, अमेरिका ने भारत के द्विपक्षीय व्यापार इतने अरब डॉलर का हो, ये तो याद करने की ज़रूरत है नहीं, बल्कि याद रखो कि भारत बन गया है सबसे बड़ा अमेरिका का व्यापारी साझेदार। वीपी कानून गो समिति। ठीक है, RBI ने की है, क्यों की है? बैंकों, गैर बैंकों और वित्तीय कंपनी एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता, प्रभाव, प्रचुरता और मूल्यांकन के लिए समिति गठित की है। ठीक है, क्रिप्टो लाभ के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? 21वें स्थान पर है। ठीक है। और पहले पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, पहली खादी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर बनाया गया? दिल्ली में। ठीक है, केंद्र बनाया गया कहाँ? दिल्ली में बनाया गया। और भारत में FDI क्या लिखा, सर्वकालिक सर्वोच्च स्तर पर है। मतलब FDI इतना सारा आया, तो इस साल कितना आया FDI? 83.57 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, सिंगापुर टॉप है अभी भी टू इन्वेस्ट सोर्स में। ठीक है, इन्वेस्ट सोर्स में। ठीक है, कैंप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज अट्रैक्ट मोस्ट FDI, जो ये सर्विस है IT वाली, वो सबसे ज़्यादा FDI ले रही। कर्नाटक टॉप किया है, सबसे ज़्यादा भारत में FDI वहीं पे आया है, कर्नाटक में। और ओवरऑल भारत में 83.57 आया है, और सबसे ज़्यादा कर्नाटक में आया है। सिंगापुर ने टॉप किया है इसमें। ठीक है, विशेष आहरण अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF। ठीक है, कि मुद्रा टोकरी डॉलर के युआन के भारांक को बढ़ा दिया है। 2016 में चीनी मुद्रा टोकरी के मामले में के बाद FDR मूल्यांकन अपनी पहली नियमित समीक्षा युआन का भारांक बढ़ाकर किया है, अमेरिकी डॉलर। सऊदी अरामको विश्व का सबसे मूल्यांकन कंपनी है, सऊदी अरामको। ठीक है, सऊदी अरामको विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी है। ठीक है, सबसे पहले एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी थी। ठीक है, अब कौन होगी? अरामको। ठीक है, कहाँ की? सऊदी अरब की। सऊदी अरामको तेल कंपनी है। ठीक है, भारत का सेवा क्षेत्र में निर्यात बिलियन डॉलर, एक कीर्तिमान स्थापित किया है जिसे इतने बिलियन डॉलर है। ठीक है, सिक्कों की नई श्रृंखला शुरुआत की जा रही है जिसमें दृष्टिहीनों के लिए अनुकूल बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें ब्रेल लिपि अंकित होगी। स्थिति बात व्यक्ति पहचान सकेंगी, 1 का 2 का 5 का 20 का कितना है। ठीक है, इन सिक्कियों के पर आज़ादी अमृत महोत्सव का डिज़ाइन बना होगा, और ये कहाँ पे बन रही है? ये बन रही है पुणे में। मौद्रिक नीति समिति, तो इसमें क्या हुआ? मौद्रिक नीति RBI ने शुरू, RBI निकालती है मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, इसमें छः सदस्य होती है ये। ठीक है, और इसमें रेपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50 अंक आधार बढ़ाकर 4.90% कर दिया गया। मौद्रिक नीति की मौद्रिक स्फीति को निपटाने के लिए रेपो दर बढ़ा दी गई है। स्थायी जमा सुविधा के सीमा स्थायी में भी 50%
50 अंकों का, 18 अंकों की वृद्धि गई है, जमाई में भी इतना किया गया 50, ठीक है, 18 अंकों की। तो निम्न क्या हो गई, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, रेपो रेट 4.90, ठीक है। इसके बाद रिवर्स रेपो रेट पूछते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहाँ है, रिवर्स रेपो रेट ये फिक्स्ड रिवर्स 3.35, SDF स्थायी जमा सुविधा 4.65, सीमांत स्थायी 5.515, बैंक दर 5.15 और CRR 4.50, SLR 18% हो गया, ठीक है। और अब इट राइट चैलेंज कार्यक्रम, किसने, ईट राइट, सॉरी इट राइट नहीं, ईट राइट, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने शुरू किया है इसे, राइट चैलेंज, कहाँ इसमें जारी रैंकिंग में इंदौर पूरे भारत में स्थान पर पहले स्थान पर है, जबकि वाराणसी दूसरे स्थान पर, भोपाल तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ईट राइट चैनल FSSAI फसाई ने किया है, और इसमें टॉप किसने किया, इंदौर, दूसरा बनारस, तीसरा भोपाल, ठीक है। और ये है जो एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो ये मंत्री मनसुख मंडारिया है, वो उन्होंने बिहार के रक्सौल में फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, राष्ट्रीय सीमा शुल्क GST संग्रहालय, ठीक है, डेडिकेशन नेशन धरोहर नेशनल म्यूजियम कस्टम ऑफ GST, कहाँ पे किया गया, गोवा में किया गया, ठीक है, गोवा के, ठीक है, पणजी में किया गया, ठीक है, पणजी कहाँ है, मांडवी नदी के तट पर है, यहीं पे सीमा, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्रीय समारोह, इसका नाम क्या है, धरोहर, ठीक है। ये दो मंजिला ब्लू बिल्डिंग है जिसे गोवा में पहले पुर्तगाली शासन के द्वारा अल्फांडेगा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये संग्रहालय सीमा शुल्क विभाग कामकाज देखने के लिए अरब देशों के साथ इसराइल का पहला बड़ा व्यापार समझौता, ठीक है, UAE के साथ, ठीक है, एक मुक्त व्यापार समझौते हस्ताक्षर जो अरब देशों के साथ उसका सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। इसका उद्देश्य दो मध्य पूर्वी देशों के बीच बढ़ावा देना है, ठीक है। कांतर ब्रिज मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट, ठीक है, ओमनी कार्ड किसने निकाला है, रुपे ने चलाया है, ठीक है, RBI से लांसेट प्राइवेट पेमेंट कंपनी बन गया है, ठीक है। ओमनी कार्ड भारत की किसी भी ATM से उपयोग करने पर नगद निगम करने वाला पहला RBI लाइसेंस प्राप्त बन गया है, ओमनी कार्ड रुपे द्वारा, ठीक है, किसी भी ATM से निकाल सकते। रूस और भारत का दूसरा सबसे बड़ा तिल आपूर्ति कर है, रूस जो है दूसरा है, पहला कोई कौन है, सऊदी, नहीं, नंबर वन पे कौन है, इराक है, सॉरी, तो पहले नंबर पे इराक है, पहले फिर सऊदी अरब था, अब कौन हो गया, लेकिन रूस हो गया, ठीक है, दूसरे नंबर पे आ गया है रूस। आईकिया का भारत में सबसे बड़ा स्टोर है, कहाँ पे खोला जा रहा है, बेंगलुरु में, ठीक है। आईकिया क्या है, ठीक है, पहले केंद्रीय कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, बसवराज बोम्बई है, ठीक है। और ये क्या है, स्वीडन वाली कंपनी है आईकिया की, ये क्या फर्नीचर और साज सज्जा की कमान रखती है, ठीक है, ये बेंगलुरु में शुरू किया गया सबसे चौथा स्टोर है। तो इसी के साथ आर्थिक परिदृश्य ख़त्म होता है, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, कोई डाउट हो तो, अगर कोई सुझाव हो तब भी कमेंट करें, थैंक यू।